हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सिलेबस की, जो डिप्लोमा सीएसई ब्रांच के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इसका पूरा सिलेबस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए, इसी के साथ हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ये देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, देन एडवांटेजेस ऑफ DBMS over file processing system, then data abstraction, data languages, data independence, components of a DBMS and overall structure of a DBMS, three views of data, external view, conceptual view, internal view, तीनों को आपको पढ़ना है, then three level architecture of DBMS, data independence, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये आपको आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंड चैप्टर की, तो वो है आपका डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के आपको के अंदर पढ़ना है डिफाइन डेटा मॉडल, डेटा मॉडल्स जिसमें आपको नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ईआर मॉडल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच डेटा मॉडल पढ़ना है। तो ये आपको सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आपको इसी सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ना है एंटिटी सेट, ईआर मॉडल के अंदर एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट, एट्रीब्यूट्स, कीज इन एंटिटी एंड रिलेशनशिप सेट, सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की, यूनिक की, ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देन मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, ईआर डायग्राम, नोटेशंस, स्ट्रांग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट, ये आपको टोटल सेकेंड चैप्टर के अंदर टोटल पढ़ना है आपको इतना, ईआर मॉडल और डेटा मॉडल को। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है रिलेशनल मॉडल। सो रिलेशन मॉडल क्या है आपका, इसके अंदर आपको पढ़ना है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉट्स 12 रूल, डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, स्कीमा, सब स्कीमा, रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स, जिसके अंदर आपको पढ़ना है डोमेन, टपल यूनिकनेस, की कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटिटी कंस्ट्रेंट, देन पढ़ना है रिलेशनल अलजेब्रा, बेसिक ऑपरेशन, यूनियन इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेजियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशंस को पढ़ना है रिलेशनल अलजेब्रा के, देन आपको एडिशनल रिलेशनल अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन, सेलेक्शन, रोज, डिवीजन, रीनेम एंड जॉइन, देन कन्वर्टिंग ईआर मॉडल टू रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना है आपको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन, इसके अंदर आपको पढ़ना है पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, डेटा रिडंडेंसी एंड अपडेटिंग एनोमलीज, फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड डिकम्पोजिशन, प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन यूजिंग 1NF, 2NF, 3NF, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एंड BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये आपको रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका MySQL और SQL, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, SQL ऑब्जेक्ट नेमिंग कन्वेंशंस, ऑब्जेक्ट नेमिंग गाइडलाइंस, डेटा टाइप, टेबल्स, टेबल्स के अंदर कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग टेबल्स एंड यूजिंग कंस्ट्रेंट, तो ये सारा कुछ आपका टेबल का पढ़ना है। देन व्यूज, इंडेक्सेस, ये आपको पढ़ना है। देन आपको SQL कमांड पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है डिस्क्राइब, सेलेक्ट, वेयर क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ऑर्डर बाय, हैविंग, लॉजिकल ऑपरेशंस, SQL ऑपरेटर्स, ठीक है, जॉइन, ये आपको पढ़ना है। देन एग्रीगेट फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट टाइम फंक्शन, नल वैल्यूज, तो ये सारा कुछ आपका जो भी आपके SQL कमांड्स होते हैं इससे रिलेटेड आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है PLSQL, इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ना है, देन कंट्रोल टू फंक्शन फ्लो स्टेटमेंट ऑफ PLSQL, प्रोसीजर्स और स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रांजैक्शंस, ट्रिगर्स, कर्सर्स, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग,
ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है. देन नो एसक्यूएल, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, यूजेस एंड एप्लीकेशंस को पढ़ना है. देन लास्ट आपका जो चैप्टर है वो है सिक्योरिटी, इसके अंदर पढ़ना है ऑथराइजेशन एंड व्यू सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एनक्रिप्शन. ठीक है, तो ये आपको टोटल पढ़ना है सिक्योरिटी वाले चैप्टर में. तो टोटल आपके चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर सब टॉपिक्स जो भी थे, जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, टोटल हमने डिस्कस कर लिया. तो इतना कुछ आपको पढ़ना है इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सब्जेक्ट के अंदर. और ये आपका सारे सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो के बाद, कुछ दिन बाद हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने चैनल पे. तो बने रहिए चैनल पे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.